UBN 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UBN 08। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री लाल सिंह आर्य ने ब्यावरा विधानसभा में नारायण सिंह पवार के पक्ष में किया जनसंपर्क। स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही इमरती देवी वाले बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई। इस दौरान जिले के भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारत माता की जनजाति मोर्चा जिंदाबाद। वोट लेने के पहले गरीबी हटाओ के नारे दिए, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब मई खड़ा रहा और हमारे वोट से प्रधानमंत्री बनते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे। इस मध्य प्रदेश में तो 44 साल कांग्रेस की सरकार रही है। कितने साल? 44 साल थोड़ा होता है क्या? 44 साल में तो मोड़ा बूढ़ा हो जाता भैया, हो जाता कि नहीं हो जाता? और 10 साल का हो तो 50 साल का हो जाता है, और 30 साल का हो तो 70 साल का हो जाता है, 74 साल का हो जाता है। लेकिन हम फिर भी वोट देते आए। एक अपमान बाबा साहब का किया, अब दूसरा अपमान क्या किया मालूम आपको? नहीं मालूम होगा, कहीं मालूम होता तो 70 साल पहले बटन दबा के बदला ले लेते हैं। दूसरा अपमान किया, 1952 का पहला चुनाव हुआ देश में। कांग्रेस कहती है कि बाबा साहब को पहली सरकार में मंत्री कांग्रेस ने बनाया था। बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया था। पहला मंत्रिमंडल अंतरिम मंत्रिमंडल था जो देश का मंत्रिमंडल था, जिसमें जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे और बाबा साहब अम्बेडकर देश के विधि मंत्री और श्रम मंत्री थे। वो कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था, वो देश का मंत्रिमंडल था। उस देश के मंत्रिमंडल से जब नेहरू ने अम्बेडकर जी की नहीं मानी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नहीं मानी, वो महिलाओं के अधिकार देना चाहते थे, वो जनता की सुरक्षा करना चाहते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना तो दो मंत्रियों ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था अंतरिम सरकार से, तो उसमें मेरे बाबा साहब अंबेडकर थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अंबेडकर जी का अपमान ये तो जिसकी वाणी को मैंने थोड़ी देर पहले सुना, वो वाणी आप मानिएगा, ऐसा लग रहा था कि कोई सरस्वती उनके जुबान पर बैठी हुई है। ऐसे ओजस्वी वाणी के वक्ता हमारे आजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक अनुसूचित जाति के सम्मेलन संबोधित करने के लिए मुझे आज ब्यावरा में आना था। मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि जब आ रहा हूँ तो सम्माननीय मीडिया के मित्रों से भी अगर बातचीत हो जाएगी तो अच्छा है, तो इसलिए केवल परिचय की दृष्टि से और आप लोगों से कुछ बातें ऐसी है जो वर्तमान संदर्भ में है और कांग्रेस उपचुनाव में मुद्दों पे नहीं बल्कि भटकाव के दौर से गुजरकर अपमान करने वाली घटनाओं तक आ गई है।